पूजने गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मास्टर विक्रम जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बारे प्रेमी प्रेम सागर जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धनंद सतगुरु तेरा ही आसरा। धनंद सतगुरु तेरा ही आसरा। पावें जग सारा सानू गोद में खिड़ावे, सारी सृष्टि देखाने भी खवावे, तेरे दर दा नजारा कुछ और है मेरे दाता जी, तेरे जीवां दी निराली एते गौर है मेरे दाता जी। खजल खुआर है करोड़ सूरजां दा वाल विच नूर है, हजार मट तो भी कुट दा सरूर है, चले दिन रात नाम वाला दौर है मेरे दाता जी, तेरे जीवां दी निराली एते गौर है मेरे दाता जी। सचखंड दे नाम आद ते जुदा दवाड़ा वंड दे, रूहा नाम लेके एतोहन चलिया, जाके सचखंड आप नाल मिलिया, पापी मन दे बदल दिते तौर है मेरे दाता जी, तेरे दीवान दी निराली एते गौर है मेरे दाता जी।
ਬੇਲੀ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾਦੇ ਛੱਡੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲੇ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਭੁੱਲੇ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਨਾ ਮੰਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੋਦ ਮੈਂ ਖਿਡਾਵੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਖਵਾਵੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ धनंजय सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी प्रेम सागर जी इंसान सरसा भजन सुना रहे जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। सतगुरु जी की प्यारी सासंग जी पूज्य हजूर पिताजी द्वारा ये जो अनमोल प्रेम निशानियां दी जा रही हैं ये किसी से भी किसी किस्म का कोई पैसा दान चढ़ावे या चंदा आदि इकट्ठा करके नहीं दी जाती बल्कि ये तो आश्रम के सतब्रह्मचारी सेवादारों की नेक और मेहनत की कमाई में से दी जाती है और ये कोई दिखावा भी नहीं है जी। ये सेवादार सतगुरु जी की प्रेरणा अनुसार सात संगत को पानी पिलाना लंगर बनाना लंगर खिलाना छायावान लगाना खेती बाड़ी अधिकारियों में सहयोग करना और इसके अतिरिक्त अपने अपने ब्लॉकों में गरीब जरूरतमंदों की हर संभव सहायता करना इत्यादि मानवता भलाई के कार्य करते हैं। जैसे जैसे जिसकी सेवा होती है ये दातें उसी हिसाब से ही सेवादारों को दी जाती हैं जी। धनंजय सतगुरु तेरा ही आसरा। धनंजय सतगुरु तेरा ही आसरा। जर्रे जर्रे में है जाकी जिंदा राम की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की जरे जरे में है जाकी जिंदा राम की देवता की जाऊं थोड़ी मिले चढ़ी जाऊं मिला रास्ते में एक है पठान जी बच्चा घोड़ी का उठाओ मेरे घर ले जाओ देख रहा था मैं रहा इंसान की नामा सोच रहा बात वाह मालिक तेरी दात मांगी चढ़ने को दे दी उठान की उल्टी सीधी कौन समझे भगवान की जरे जरे में है जाती जिंदा राम की नाक पकड़ाया बंद कर दिया सुंदर पटार जी बांधी हाथ पकड़ाया सुंदर हार बनवाया कहना मीरा गल पहने हार जी प्याला जैर का था दिया पान अमृत गया रख टेक मीरा पी गई भगवान की मार देवे क्या हस्ती इंसान की जरे जरे में है जाकी जिंदा राम की बुलाई दिया हुक्म सुनाई नंगी करो जल्दी कपड़े उतार के जो भी कपड़ा उतारे नया आ जाए दोबारे हार गए सबका
कपड़े उतार के जिस देख ले आया की पट द्रौपदी की रखी सब हो गए थे देख के हैरान जी कन तू है तेरे भक्त भगवान जी जरे जरे में है जाती जिंदा राम की जब कबीर का बुलाया काठ बांध कर बिठाया दिया मारने को हाथी ललकार है हाथी दौड़ कर आया इस कबीर को झुकाया करे बार बार उसे नमस्कार है शासक नाम जी सुनाए समझ बंदे को ना आए हाथी पशु होते करे पहचान जी उत्तम जूनी मानी बड़ी इंसान की जरे जरे में है जाती जिंदा राम की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की जरे जरे में है जाती जिंदा राम की धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा किसे लई जे मंगीए दुआ मंगीए किसे लईजे मंगीए दुआ मंगीए किसे लईजे मंगीए दुआ मंगीए खुद ले खुदा तो खुद ले खुदा तो खुदा मंगीए किसे लईजे मंगीए दुआ मंगीए किसे लईजे मंगीए दुआ मंगीए खुद ले खुदा तो खुदा मंगिए जेड़ी गुरु कहे ओही कार करिए कहे उनु इनकार करिए होना पल भी न यार तू जुदा मंगिए खुद ले खुदा तो खुदा मंगिए किसे ले जे मंगिए दुआ मंगिए याद रखिए खुशी होर मिल राज नू जे राज रखिए गुनागार ले विका दे ना सजा मंगिए किसे ले जे मंगिए हराम करिए
करिए। जिथे बैठते निंदक जिथे बैठते निंदक नौरा लंगिए, किसे लीजे मंगिए दुआ मंगिए दुआ मंगिए। सुमरन वेले न बहाना करिए, सेवा सुमरन वेले न बहाना करिए, शास्त नाम जी दा सदा शुकराना करिए। प्यार सतगुरु दा प्यार सतगुरु दा हर किसे ले जे मंगिए दुआ मंगिए, किसे ले जे मंगिए दुआ मंगिए। खुद ले खुदा तो खुद ले खुदा तो खुदा मंगिए, किसे ले जे मंगिए दुआ मंगिए दुआ मंगिए दुआ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक प्यारे सत्संग जीव, जीव जब अल्लाह वाहिगुरु राम से जुड़ता है तो अपने उस परम पिता परमात्मा से जो उसे बनाने वाला है, कण कण में जर्रे जर्रे में जो मौजूद है, जिससे सदियों से बिछड़ा हुआ है, फिर से मिलाप होता है तो जीवन में तमाम गम चिंता परेशानियां उड़ जाती हैं और चारों तरफ बहारें ही बहारें हो जाया करती हैं। सत्संग में उस परम पिता परमात्मा से जुड़ने का ढंग सिखाया जाता है कि अगर आप उस मालिक से मिलना चाहते हैं, परम पिता परमात्मा से एक होना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर के ऐब गुना बुराइयों को छोड़ दीजिए और अच्छाई नेकी भलाई से नाता जोड़ लीजिए। जैसे जैसे आप भलाई नेकी में आगे बढ़ते जाएंगे, वो मालिक की खुशियों के आप हकदार बनेंगे, आपके गम दुख दर्द चिंताएं सब मिट जाएंगी और उस अल्लाह वाहिगुरु गॉड की कृपा के आप पात्र बन जाएंगे। इसके लिए घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, बस बुरे कर्म छोड़ दो, अच्छे कर्म करते रहो और जीवा ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहो। आप चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते किसी भी स्थिति में ईश्वर को याद करेंगे तो आपको अपनी दया में रहमत के लायक बना डालेंगे और खुशियों से मालामाल करेंगे। कितना आसान है खुशियों को अपने पास लेके आना, पर इंसान जब पीर फकीर की बातों को नहीं मानते, मनमर्जी करते हैं, मनमते चलते हैं तो दुखी होते हैं। कभी टेंशन ना लो, कभी किसी तरह की कोई चिंता ना करो, क्योंकि वो मालिक के खेल हैं, वो सब जानता है। अगर आप पे कोई चिंता है, कोई परेशानी है, काम धंधे की टेंशन है, तो सुमरण कर डालो, भक्ति इबादत करो, उससे आपकी वो चिंताएं वो परेशानियां दूर होंगी। आपके कुछ कहने से कुछ होने वाला नहीं है, होगा वही जो उस मालिक को मंजूर होता है। तो उस मालिक को पाने के लिए, गम चिंता परेशानियां जीते जी मिटाने के लिए आप ईश्वर के नाम का सुमरण जरूर किया करें। उसका नाम ही एक आधार है जो जीवात्मा को गम दुख दर्द चिंताओं से जीते जी मुक्त करा देता है और मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति दिला देता है। तो आप मालिक के नाम का जाप किया करें, भक्ति इबादत करें, तभी गम दुख दर्द चिंताएं दूर होंगी और मालिक की खुशियों के आप हकदार बनते चले जाएंगे।